रेनडियर, ये जो जानवर होते हैं ना, इनका आंख बहुत अनोखा होता है। गर्मी के समय इनका आंख गोल्डन कलर का होता है, बट ठंडे के समय ये ब्लू कलर में बदल जाता है, ताकि विंटर नाइट्स में ज्यादा लाइट आंखों में जा सके। और जैसे गर्मी आती है, ये वापस गोल्डन कलर में बदल जाती है। फैक्ट नंबर 29, कॉर्न जो होता है वो आपको पता ही होगा कि वो खाने में यूज होता है, बट क्या आपको पता है कि कॉर्न जो होता है वो बहुत सारे नॉन फूड आइटम्स में भी काम आता है, जैसे पटाखे, ग्लू, पेंट, लॉन्ड्री डिटर्जेंट, साबुन, एंटीबायोटिक्स, कॉस्मेटिक्स और प्लास्टिक्स। जी हाँ, मकई इन सब चीजों में भी काम आता है। रियली? फैक्ट नंबर 28, डेविड एवनर, ये एक एक्सटेंसिव बॉडी मॉडिफिकेशन के शौकीन इंसान थे, और इन्होंने अपने फेस पे 14 बार सर्जरी किया था, एक रियलिस्टिक एनिमल का लुक पाया था। इन्हें स्टॉकिंग कैट के नाम से भी जाना गया। इन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर मोस्ट परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशंस टू लुक लाइक एन एनिमल, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला था। पर 5 नवंबर 2012 को इन्हें अपने गैरेज में मरा हुआ पाया गया। इनकी मौत एक मिस्टीरियस मौत थी, और रीजन आज तक भी अननोन है। फैक्ट नंबर 27, कीड़े कितने छोटे होते हैं। छोटे छोटे वर्म्स को तो आप देखे ही होंगे, और बहुत सारे यूनिक टाइप के इंसेक्ट्स, बट इसको देखो। इस इंसेक्ट का नाम है आर्थोप्लेयरा, और ये 2.5 मीटर तक लंबा पाए जाते थे। ये आज से करीब 295 से 345 मिलियन साल पहले पाए जाते थे। फैक्ट नंबर 26, यूके के कॉर्नवेल जगह पे स्टीव लीच नाम का एक इंसान अपने डेली रूटीन पे काम कर रहा था, दूध को डिलीवर करने का काम। तभी अचानक से वो देखा कि एक शॉप में बहुत भयंकर आग लग गई थी, और सब कुछ उसके चपेट में आ रहा था। वो उतरे और अपने सारे मिल्क के कैंस को फायर में डालने लगे, और आग को फाइनली बुझा दिया। दूध से ही वो आग को बुझा डाले, और कई 100 लोगों की जान बचाई। उन्हें हीरो मिल्कमैन ऑफ द मिलेनियम का भी अवार्ड मिला। फैक्ट नंबर 25, एक वाइन का बॉटल है, आप इसे देखो। ये वाइन का बॉटल 1650 साल पुराना है, और ये जर्मनी के एक टॉम्ब के अंदर से मिला था। ये वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट अनओपेंड वाइन का बॉटल है, मतलब आज तक इसे नहीं खोला गया। दैट्स रियली अमेजिंग। फैक्ट नंबर 24, अकॉर्डिंग टू H.H. मिशेल, जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट्री, ब्रेन 73% वाटर है, और बाकी 38% जो नॉन वाटर मैगी टाइप का जो होता है, उसमें से एक्चुअली 60% फैट से बना होता है। इसलिए फैटी एसिड्स जैसे ओमेगा 3, जिसके बारे में आप सुने होंगे, वो इतना एसेंशियल है प्रॉपर ब्रेन फंक्शनिंग के लिए। फैक्ट नंबर 23, जब एक बच्चा जन्म लेता है, तब उसके ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। जन्म के टाइम जब किसी माँ के पेट में बच्चा डेवलप हो रहा होता है, शुरू से इतने छोटे से सेल से, तब से लेकर जन्म तक उसके ब्रेन में 2.5 लाख न्यूरॉन्स हर सेकंड बन रहे होते हैं, और वो हर सेकंड बनते रहता है जब तक वो जन्म नहीं लेता। फैक्ट नंबर 22, साल 1742 के पहले सेल्सियस स्केल, ये जो होता है टेम्परेचर मापने वाला, वो ऐसा होता था ना कि 0 डिग्री मतलब होता था गर्म, और 100 डिग्री सेल्सियस मतलब होता था ज्यादा ठंडा। फिर साल 1743 में जीन पेयर, इन्होंने प्रपोज किया इसको उल्टा करने का, देन उसी का आज हम लोग यूज करते हैं, ज्यादा मतलब गर्म और कम मतलब ठंडा। फैक्ट नंबर 21, क्रूसिफिक्स मेढक, ये ऐसे मेढक होते हैं, और ये एक ग्लू को निकाल सकते हैं अपने शरीर से, और ये दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लू है नोन टू मैन। वो इस ग्लू को इंसेक्ट्स मार के खाने के लिए यूज करते हैं। फैक्ट नंबर 20, जब भूख लगी रहती है, तब जो पेट के अंदर आवाज करता है, वो एक्चुअली आपके पेट के अंदर के इस पार्ट इंटेस्टाइन से आता है। पेट के अंदर के वो सारे कंटेंट को आगे ढकेलता है, ताकि बचा खुचा इंटेस्टाइन पे चिपके हुए खाने को ही यूज कर ले बॉडी, जब तक नया खाना नहीं आ जाता। फैक्ट नंबर 19, क्या आपको पता है कि उड़ने वाले ओवरबोर्ड्स, यानी फ्लाइंग ओवरबोर्ड्स विथ जेट इंजन भी इन्वेंट हो चुके हैं। जैसे सुपर हीरो मूवीज में हम लोग उड़ते हुए देखते हैं ना, वैसा एक्चुअली में इन्वेंट हो चुका है। फ्रैंकी ज़ेपाटा ने वर्ल्ड का फर्स्ट फ्लाइंग होवरबोर्ड बनाया है। हो सकता है कि साल 2030 में पिज्जा डिलीवरी गाइज ऐसे ही, यू गेस्ट इट। फैक्ट नंबर 18, ये इन्फो बहुत बड़ी है और शायद ही किसी को पता है। साल 2018 में अफ्रीका के बीच से धरती डिवाइड होने लगा,
लिटरली, और एक नया समुद्र का जन्म होने वाला है दोनों लैंड मासेस के बीच में क्रैक आने के चलते। आने वाले 10 मिलियन यानी 1 करोड़ सालों में एक नया कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा। टेक्टोनिक प्लेट्स धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 17, प्लूवोफाइल उन लोगों को कहते हैं जो कि बारिश को बहुत पसंद करते हैं। उनको प्लूवोफाइल कहते हैं, बट इन जनरल बारिश का मौसम सबको ही यूनिक लगता है। ये एक बहुत ही डीप बात है सब कॉन्शियसली। बारिश हमें इसलिए पसंद होता है क्योंकि ऐसे नॉर्मल वेदर में ये फील होता है कि सब अपने लाइफ में लगे हुए हैं, सब रश में है। बट जब बारिश होती है तब एक यूनिटी वाली फीलिंग आती है, ऐसा लगता है सब घर पे ही होंगे, मैं भी घर पे हूँ। लाइफ में एक पॉज मिलता है सबको और एक पीसफुल फीलिंग आती है। फैक्ट नंबर 16, जर्मनी में एक ब्रिज है मैरेन ब्रकल ब्रिज, और इसका ये व्यू देखो, इस एंगल को देखो, दो पहाड़ों के बीच में ऐसे कंस्ट्रक्ट किया गया है इस ब्रिज को, और इस ब्रिज पे लोग आज भी एक्टिवली जाते हैं। फैक्ट नंबर 15, आपको पता है जितने टाइप के जॉब्स अवेलेबल हैं, उसमें से किस तरह के जॉब्स आगे जाके डोमिनेट करेंगे। लिंक्डइन के एक पब्लिश्ड डेटा के हिसाब से ब्लॉकचेन डेवलपर नंबर 1 पे है, सेकंड में आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट, देन जावास्क्रिप्ट डेवलपर, उसके बाद रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन कंसल्टेंट, बैक एंड डेवलपर। इन जॉब्स को देखने के बाद तो ये पता चलता है कि फ्यूचर में किसी भी फील्ड में स्पेशलिस्ट लोगों की बहुत वैल्यू होने वाली है। फैक्ट नंबर 14, कैपिटोल हिल सियाटल में एक मिस्टीरियस सोडा वेंडिंग मशीन दिखा, और सबसे अजीब बात यह है कि इसके अंदर से रेयर और डिसकंटिन्यूड कैंस मिलते थे, उसमें से लोग खरीदते थे और रातों रात वो रिफिल भी हो जाता था। कई लोग जानने की कोशिश किए कि उसे कौन ऑपरेट करता है, कंपनी तो ऑफ कोर्स ऑपरेट नहीं करती। और साल 2018 के जून महीने में ये मशीन अचानक से गायब हो गई, और वहाँ एक नोट छोड़ा हुआ था कि इट वेंट फॉर अ वॉक, और उसके बाद वो कभी नहीं लौटा। फैक्ट नंबर 13, एक यूनिक टाइप का एनिमल होता है जिसका नाम है सैगा एंटिलो, और ये दुनिया के सबसे यूनिक दिखने वाले जीव में से एक है, और इसे देखो, ये है बाबी रुसा, और ये भी दुनिया के सबसे यूनिक लुकिंग एनिमल्स में से एक है। इस बर्ड को देखो, इसका नाम है शोबिल, और ये बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एडुकेशन सेंटर में एक सुशी नाम की शोबिल मौजूद है, और अगर आप इसके पास जाने के बाद ऐसे झुक के नमन करोगे तभी ये आपको टच करने देगी, नहीं तो ये चली जाएगी पार्क के दूसरे तरफ। फैक्ट नंबर 12, 3 काउज यूएस स्टेट नॉर्थ कैरोलिना में हरिकेन डोरियन के चपेट में आ गए थे। ओनर ने सोचा कि वो तीनों काउ मर गए, बट बाद में वही 3 काउज उसके ओरिजिनल जगह से 8 किलोमीटर दूर पाए गए। उस हरिकेन में बहुत सारे वाइल्ड हॉर्सेस और भी बहुत सारे जानवर अटलांटिक में सक हो गए थे, बट ये 3 लकी जानवर बच गए, और ये बहुत अनयूजुअल सी बात है। फैक्ट नंबर 11, ऑनिज्म एक बहुत यूनिक सी फीलिंग की नाम है। मान लो आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हो और आप ट्रेन का लिस्ट देख रहे हो बोर्ड में, और बगल में स्टाफ का रूम्स देख रहे हो, हर एक सेकंड कुछ न कुछ नए चीजों को देख रहे हो आप, और जितना कुछ आप देख रहे हो आपको उतना ही रियलाइज हो रहा है कि इस दुनिया में ऐसी कितनी चीजें हैं जो कि आप मरने के पहले नहीं देख पाओगे। ये कितनी सैड बात है। इस दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जिनके बारे में आप लाइफ टाइम में कभी भी अवेयर हो ही नहीं पाओगे, इसी फीलिंग को ऑनिज्म कहते हैं। फैक्ट नंबर 10, क्रूज शिप्स जो होते हैं उसका पॉल्यूशन लेवल जो होता है वो मैसिव होता है। एक दिन में एक शहर के 10 लाख कार्स जितना पॉल्यूशन करेंगे उतना एक शिप एक दिन के अंदर कर देगा। दैट्स रियली हॉरिफिक। शिप को पावर करने में इतना पॉल्यूशन निकलता है। फैक्ट नंबर 9, सिटी ऑफ मेलबर्न में एक पार्क में हर एक ट्री के ऊपर उसका ईमेल एड्रेस दिया गया था, उस ट्री का पर्सनल ईमेल एड्रेस, ताकि लोग उस ट्री से संबंधित प्रॉब्लम्स को रिपोर्ट कर पाएं। पर उन सारे ट्रीज के ईमेल आईडी पर लोगों ने लव लेटर्स भेजना शुरू कर दिया, जैसे लव यू माई ट्री, थैंक्स फॉर गिविंग अस ऑक्सीजन। 70,000 ट्रीज को एक एक करके ईमेल एड्रेस दिया गया था, एंड इन सारे इनबॉक्स में लव और ग्रेटिट्यूड से भरा ईमेल भर गया। फैक्ट नंबर 8,
ब्रिटिश कंपनी स्पेस बिट साल 2021 में ऐसे फिल्मी स्पाइडर रोबोट्स को मून पर भेजने का प्लान कर रही है और बाद में ऐसे कई स्पाइडर रोबोट्स को सेंड किया जाएगा और सारे स्पाइडर्स मिलकर ऐसे प्लेस को वहां पर मैप करेंगे जहां पर ह्यूमन कॉलोनीज को बनाया जा सके। फैक्ट नंबर 7, बर्नी क्रॉस जो कि एक साइंटिस्ट और म्यूजिशियन है, वो अपने रिसर्च से इस कंक्लूजन पे आए कि बर्ड्स का गाना, उल्फ का हाउल और इंसेक्ट्स की आवाजें, ये सब जो नेचर का एक इंटीग्रल साउंड्स है जो कि होना चाहिए नेचर में, एक हेल्दी नेचर में, वो लास्ट 50 सालों से बहुत क्वाइटर हो गई है, कम हो गई है। फैक्ट नंबर 6, एल्यूमिनियम जो ये मेटल है, ये दुनिया के सबसे रिसाइकलेबल मेटल्स में से एक है और दुनिया में जितने भी एल्यूमिनियम है उसमें से 75% अभी भी यूज में है, हाईली रिसाइकलेबल होने के चलते ये मेटल ऑलमोस्ट इनफाइनाइटली रिसाइकलेबल है। फैक्ट नंबर 5, जो हर चीज में फ्लॉ देखते हैं, हर चीज में फॉल्ट देखते रहते हैं, वैसे लोगों को स्मेल फंगस कहते हैं। फैक्ट नंबर 4, रॉबर्ट डाउनी जूनियर जो कि स्पाइडरमैन होमकमिंग में सिर्फ 15 मिनट के लिए अपीयर हुए थे, वो $1 million पर मिनट यानी करीब 7 करोड़ रुपए पर मिनट के हिसाब से एक्टिंग का चार्जेस लिए थे, मींस 15 मिनट के रोल के लिए $15 million यानी 105 करोड़ रुपए। फैक्ट नंबर 3, डोनाल्ड हार्वे एक नर्स है जो कि जानबूझकर 37 पेशेंट्स को मारे थे और बहुत सालों तक मारने का काम करते आ रहे थे और वो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पकड़े गए। जो इंसान पोस्टमार्टम कर रहा था डेड बॉडी का, उसके अंदर साइनाइड को स्मेल करने की जेनेटिक प्रॉपर्टी थी और वो डेड बॉडी से साइनाइड को स्मेल कर लिया था और इसी क्लू से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और इवेंचुअली ये पता चला कि वो नर्स सबको साइनाइड से मार रहा था और उसको अरेस्ट कर लिया गया। इस फैक्ट से और एक बात पता चलता है कि हर कोई साइनाइड को सूंघ नहीं सकता, कुछ में जेनेटिक एबिलिटी होती है जिसके चलते वो साइनाइड को सूंघ सकते हैं और उस पोस्टमार्टम करने वाले में भी यही एबिलिटी थी, जेनेटिक एबिलिटी। और एक फैक्ट जो कि है कि नर्स का मतलब सिर्फ लेडी ही नहीं होगा, मेन भी नर्स बन सकते हैं। बहुत लोग ये सोचते हैं कि नर्स का मतलब ओनली लड़कियां, बट ये ट्रू नहीं है, मेन में भी नर्सेस होते हैं एक्चुअली में। फैक्ट नंबर 2, ऑक्टोपस ये जो जीव है इनमें एक बहुत ही डिस्टर्बिंग बिहेवियर पाया जाता है कि जब वो स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तब वो कभी कभी अपने ही आर्म्स या बॉडी पार्ट्स को खाने लगते हैं। या इट्स ट्रू, ये बहुत सारे ऑक्टोपसेस को करते हुए देखा गया। साइंटिस्ट को अभी तक यही पता है कि ये किसी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है जो कि ऑक्टोपस के सिस्टम को अटैक करके ऑक्टोपस को अपने हाथों को खाने पे मजबूर कर देता है, एक खतरनाक बीमारी। फैक्ट नंबर 1, सीसीटीवी जो होते हैं, सीसीटीवी इसमें सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? टीवी का मतलब तो आपने सही गेस कर लिया होगा, टेलीविजन, बट सीसी का मतलब क्या होता है? इट्स क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। इसमें क्लोज्ड वर्ड को इसलिए स्पेसिफाई किया गया है क्योंकि सीसीटीवी का सिग्नल पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, प्राइवेटली मॉनिटर्ड होता है सर्वेलेंस और सिक्योरिटी के लिए। सो सीसीटीवी इक्वल टू क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन।